ओके, इमेजिन अ वर्ल्ड ऑलमोस्ट 100 इयर्स फ्रॉम नाउ, जहां पर हर कंट्री फेल हो जाती है एनवायरमेंट को बचाने में और ह्यूमंस ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होते होते रह जाते हैं। ये कहानी है दुनिया के आखिरी इंसान की, हु इज सिक एंड टायर्ड एंड डाइंग। उसकी एक और आखिरी उम्मीद होती है उसका डॉग, और वो खुद के मरने के बाद भी उस डॉग का ध्यान रखने के लिए बनाता है एक रोबोट। डियर व्यूअर्स, आई रिप्रेजेंट यू फिंच, अ स्टोरी अबाउट द लास्ट मैन ऑन दिस अर्थ। और कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान शहर से, जो कि रेत के तूफान से भरा पड़ा होता है, और इसी तूफान में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि गाना गुनगुनाते हुए किसी सुपरमार्केट की ओर जा रहा होता है, और इसने एक स्पेशल सूट पहन रखी होती है खुद को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए, जो कि किसी भी चीज को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जलाकर खत्म कर सकती है, क्योंकि ओजोन लेयर के खत्म होने की वजह से अब टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस होती है, विच इज टू हॉट टू इवन लिव। और जब ये पर्सन उस सुपरमार्केट में जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज दिखाई देती है, जो कि गर्मी की वजह से वहाँ पर सूख कर ममीज बन गई होती है। और इस ओल्ड मैन का नाम होता है फिंच, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने अपने लिए एक रोबोट बनाया होता है, और ये उसे ऑर्डर देता है जरूरी सामान को पिक करने के लिए, जो कि हार्डली उस जगह पर अवेलेबल होती है। और काफी देर तक ढूंढते रहने पर इसे एक डॉग फूड कैन मिलता है, जिसे देखकर ये काफी खुश होता है कि एटलीस्ट उसके डॉग को आज भूखे नहीं सोना पड़ेगा। और इसी जगह पर फिंच को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई हथौड़ा लेकर लोहे को ठोक रहा हो, जिसे सुनकर फिंच थोड़ा सा डर जाता है और छुपने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो इंसान हुआ तो इससे सब कुछ छीनने के लिए वो इसे मार सकता है। पर वो चीज कोई इंसान नहीं होती, बल्कि लोहे का एक दरवाजा होता है जो कि हवा की वजह से टकरा रहा होता है, जिसे देखकर फिंच राहत की सांस लेता है और यहाँ से निकलकर इस जगह पर एक निशान बना देता है, ताकि वो इसी जगह पर दोबारा न आए खाना ढूंढने के लिए, और अपनी ट्रक की ओर बढ़ता है यहाँ से निकलने के लिए, जिससे हमें इस जगह की थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है कि किस तरह से ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स भी रेत के तूफान से बच ना सके। और रास्ते में पड़ी गाड़ियों को ठोकर मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है फिंच एक और सुपरमार्केट की तरफ, ताकि वो अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ सके। और रास्ते में इसका बनाया हुआ डिवाइस इसे वार्न करता है आगे के खतरों को लेकर, कि एक विशाल रेत का तूफान ठीक इसी की ओर बढ़ रहा होता है, जिससे बचने के लिए फिंच अपनी ट्रक को पीछे मोड़ता है और सीधा अपने हाइड आउट की तरफ लेकर जाता है, अपने शेल्टर की ओर, ताकि वो उस तूफान से बच सके। और ऐसा करने में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बट किसी तरह से वो सेफली अंदर चला ही जाता है, जहाँ पर ये सबसे पहले अपने रोबोट की और फिर खुद की साफ सफाई करता है अंदर जाने से पहले। और जब ये फाइनली अंदर जाता है तो हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है इसके क्यूट से डॉग से, जो कि फिंच के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएचर होता है इस वीरान दुनिया में। और वो इससे बातें करता है, इसके साथ खेलता है, अपनी सारी फीलिंग्स इसे शेयर करता है, ताकि वो खुद को डिप्रेस होने से बचा सके। बट इसे डर भी लगता है कि उसके जाने के बाद, उसके मरने के बाद उस बेजुबान जानवर का क्या होगा, इसलिए वो एक रोबोट डिजाइन करता है, ताकि उसके जाने के बाद वो रोबोट उस डॉग का ध्यान रख सके। और इसके प्रोग्राम में वो सारी इन्फॉर्मेशन डालता है, ताकि वो एक परफेक्ट रोबोट बन सके जो कि हर काम करने में सक्षम हो। और इसे असेंबल करके वो उसे कुछ कमांड्स देता है, ताकि वो चेक कर सके कि क्या वो उसका वो रोबोट ठीक से काम कर रहा भी है या नहीं, जो कि स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम का सामना करती है, बट फिंच उसे ठीक कर ही लेता है। और उसे बोलने के लिए कहता है, एक तरह से अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो उसके प्रोग्राम में डाल रहा है, वो उसे ठीक से एक्सेस कर पा रहा भी है या नहीं, जिससे ये रोबोट अपना सर हिलाता है कि वो उसे समझ सकता है, जिससे फिंच उसमें कुछ और एडिशंस करता है और उसे बोलने के लिए सिखाता है, और उससे उसके बनाए हुए रूल्स के बारे में पूछता है, उन रूल्स के बारे में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि उस रोबोट को उसके जाने के बाद किसी भी कंडीशन में फॉलो करना होगा, जिसे ये बताता है कि रूल नंबर वन, कि वो किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करेगा या किसी भी तरह से वो ह्यूमंस को खुद को हार्म करने नहीं देगा। जिस पर फिंच उससे रूल नंबर फोर के बारे में पूछता है, और ये रोबोट बताता है कि अगर फिंच एब्सेंट हो तो वो उस डॉग का किसी भी कंडीशन में ध्यान रखेगा, और इसके लिए वो बाकी के सारे रूल्स को ब्रेक कर सकता है। जिस पर फिंच फिर से इससे पूछता है कि क्या वो समझ रहा है कि वो डॉग उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और वो रोबोट फिर से अपना सर हिलाता है, जिससे फिंच उससे एब्सेंस का मतलब पूछता है, और ये रिप्लाई करता है कि जब फिंच उसके सामने ना हो। और इन रिटर्न ये फिंच से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि वो कब एब्सेंट होगा, और यहाँ पर हो जाती है लाइट ऑफ, जिसे ठीक करने के लिए फिंच चढ़ता है एक विंड टरबाइन पर, और उसे ठीक करके जब ये नीचे आने लगता है तो ये देखता है कि हवा कुछ ज्यादा ही तेज है, और एक विशाल रेत का तूफान ठीक उसी की ओर बढ़ रहा है, जो कि प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है इसके लिए,
जिससे बचने के लिए ये अंदर जाते ही उस रोबोट को एक वेदर स्टेशन से कनेक्ट करता है ताकि वो उससे वेदर फोरकास्ट के बारे में पूछ सके, जिस पर ये बताता है कि एक सैंड स्टॉर्म 150 मील पर घंटे की स्पीड से ठीक उसी की लोकेशन की ओर आ रही है जो कि अगले 24 घंटे में वहां पर पहुंच जाएगी, जिसे फिंच पूछता है कि वो सैंड स्टॉर्म कब तक रहेगा और ये रोबोट बताता है कि ऑलमोस्ट 40 दिनों तक, जिससे फिंच काफी परेशान हो जाता है क्योंकि इनके पास खाने के लिए राशन बिल्कुल भी नहीं होता और 40 दिनों तक तो वो पानी पीकर भी जिंदा नहीं रह सकता और इन सब से बचने का सिर्फ एक रास्ता होता है वहाँ से निकलना, और ऐसा करने के लिए फिंच उस रोबोट को जल्दी से असेंबल करने लगता है ताकि उसे जलने के लिए सिखा सके ताकि इनका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और इन सब में ही काफी टाइम निकल जाता है जिसे सारा डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाता और सिर्फ 72% डाटा के साथ फिंच उस रोबोट को कंप्यूटर से डिटैच कर देता है क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होने का वेट कर सके। और अगले ही दिन ही सुबह होते ही निकल जाते हैं पहाड़ों की ओर, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया की तरफ, जहां पर फिंच पैदा हुआ होता है और रास्ते में वो रोबोट इससे कई सारी क्वेश्चंस पूछता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जैसे कि सेंट लुइस की पॉपुलेशन तो 6 लाख है, फिर सभी लोग गए कहां? जिस पर फिंच कहता है इट्स ए लॉन्ग स्टोरी और वो फिर कभी बाद में बताएगा, और अभी के लिए ये उसे उन रास्तों के बारे में बताने लगता है कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो वो रोज जंगली फ्लावर्स से भरे होते थे, हर तरफ बस खूबसूरत तितलियां और मधुमक्खी उड़ रहे होते थे, और रास्ते में जब ये काफी आगे आ जाते हैं तो फिंच उस रोबोट को अपने साथ लेकर जाता है ताकि उसे सिखा सके कि किस तरह से खाना ढूंढा जाता है और उसे कई सारे इम्पोर्टेंट लेसन सिखाता है, जैसे कि मौका मिलने पर वो खाना ढूंढने की कोशिश करे, स्पेशली तब जब उसके पास एक भूखा जानवर हो, और उन्हें एक घर में मिलता है कुछ कॉर्न सीड जिसे देखकर फिंच काफी खुश होता है और उस रोबोट को एक मैजिक दिखाता है ये कहते हुए इट्स टाइम टू लिव अ लिटिल। दरअसल टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उन मक्की के दानों को मेटल के प्लेट पर डालते ही वो पॉप करने लग जाते हैं, एंड जस्ट लाइक ए स्मॉल किड वो रोबोट इसे देखकर काफी खुश होता है, बट इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती क्योंकि फिंच देखता है एक विशाल टोर्नेडो को जो कि ठीक इन्हीं की ओर आ रही होती है, जिससे बचने के लिए फिंच अपने ट्रक को फुल स्पीड में आगे भगाने लगता है, बट फिंच ये बात भी बहुत अच्छे से जानता होता है कि वो कितना भी तेज क्यों ना भाग ले वो उस टोर्नेडो से तेज नहीं भाग सकते, इसलिए वो प्लान चेंज करता है और एक जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी करके उसे स्टील केबल्स के साथ बांधने लगता है ताकि वो तूफान में उड़ ना जाए, और यहाँ पर सबसे ज्यादा काम आता है वो रोबोट क्योंकि फिंच बूढ़ा होने के कारण ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकता, और ये सब उस टोर्नेडो के आने से बट कुछ सेकंड्स पहले ही उस गाड़ी के अंदर चले जाते हैं, और वो टोर्नेडो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो उनके सभी केबल्स को तोड़ते हुए गाड़ी को ऑलमोस्ट अपने साथ ले ही जाने लगती है, बट सिर्फ एक केबल के सहारे इनकी ये लाइफ सेविंग ट्रक बच जाती है, और बाहर आने पर फिंच देखता है कि इनकी फ्रंट टायर बुरी तरह से डैमेज हो गई है, जिसे रिपेयर करने के लिए वो रोबोट लेकर आता है एक टायर, बट स्टिल फिंच उसे देखकर खुश नहीं होता क्योंकि इनके पास जैक नहीं होता और बिना जैक के वो उस टायर को रिपेयर नहीं कर सकते, जिससे वो रोबोट उस वैन को अपने ताकत के दम पर ऊपर उठा लेता है, और इसे देखकर फिंच काफी सरप्राइज होता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका ये बनाया हुआ रोबोट इतना ताकतवर भी हो सकता है, और उस टायर को रिपेयर करने के बाद फिंच इस रोबोट को एक नाम देने के बारे में सोचता है और इसी से पूछता है कि उसे कौन सा नाम पसंद है, जिससे ये रोबोट कहता है विलियम शेक्सपियर, जिस पर फिंच कहता है नहीं, उन्हें ऐसा नाम रखना होगा जो बोलने में आसान हो और स्पेशली जो छोटा हो और एक जानवर का ना हो, जिससे इस नामकरण में ही काफी रात हो जाती है और वो रोबोट सजेस्ट करता है जेफ कि उसे जेफ नाम पसंद आया, जिस पर फिंच हंसता है और उसे एक रोबोट की जगह ह्यूमन ही समझता हुआ हैंडशेक करता है बाय सेइंग वेलकम टू दिस वर्ल्ड जेफ, और अगले ही मॉर्निंग जेफ डॉग की तरह भौंकने लगता है, एक तरह से ये उससे बातें करने की कोशिश करता है उसी के लैंग्वेज में, जिससे फिंच इस शोर से उठकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि डॉग इस तरह से बात नहीं करते, जिस पर जेफ कहता है कि उसे लगता है कि वो डॉग उसे पसंद नहीं करता, जिसका आंसर देते हुए फिंच कहता है इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट और ट्रस्ट को बनने में टाइम लगता है, जिस पर जेफ पूछता है कि ट्रस्ट क्या होता है और इसका जवाब फिंच ठीक से दे नहीं पाता, दरअसल उसने इतना कुछ देखा होता है अपनी लाइफ में कि ट्रस्ट की मीनिंग ही उसके लिए एक तरह से खत्म हो गई होती है, बट फिर भी वो उस रोबोट को ट्रस्ट का मतलब समझाने की ट्राई करता है और उसे एक स्टोरी सुनाता है कि कॉलेज के दिनों में वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उसकी टीम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अकेले ही काम करना पसंद करता था, सबके साथ मिलकर नहीं, और उसने देखा कि उसकी टीम ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक से हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं कर पा रही, उन्हें लग रहा था कि हार्डवेयर में ही कुछ प्रॉब्लम है, बट मैं खुद उनके जैसा नहीं था और सिंगल हैंडेडली ही मैंने उस प्रोजेक्ट को खुद फिनिश कर दिया, जिससे एक साइंटिस्ट काफी सरप्राइज हुआ और हमारे घर आया और मेरी पीठ थपथपाई और कहा शाबाश फिंच, क्या तुमने सच में उस प्रोजेक्ट को अकेले ही फिनिश किया, जिस पर मैंने कहा नहीं सर, मैं अपनी टीम के बगैर ऐसा नहीं कर सकता था,
जिस पर जेफ कहता है कि उसे ये स्टोरी ठीक से समझ नहीं आई, इसका ट्रस्ट से क्या लेना देना। जिस पर फिंच रिप्लाई करता है कि इंसान इसी तरह से एक दूसरे का भरोसा जीतते हैं। जब हम अपने सक्सेस का क्रेडिट किसी और को देते हैं तो हम एक तरह से ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कहते हुए फिंच बुरी तरह से खांसने लगता है कि उसके मुंह से ब्लीडिंग आने शुरू हो जाती है। जिससे ये एक जगह पर अपनी गाड़ी रोककर अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए एक शॉप के अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे जेफ भी उस डॉग को शॉप के अंदर लेके जाने की कोशिश करता है, जो कि वो डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जिससे फिंच को वापस जाकर अपने डॉग को फिर से लाना पड़ता है और वो जेफ को गाड़ी के अंदर ही रुकने के लिए कहता है कि तुम गाड़ी का ध्यान रखो। एंड जस्ट लाइक ए स्मॉल किड, जेफ उस गाड़ी के पार्ट्स को टच करने लगता है कि वो भी फिंच की तरह उस गाड़ी को चला सकता है। और एक्सीलेटर पर पैर रखते ही वो गाड़ी आगे की ओर मूव कर जाती है, जिसे फिंच भागता हुआ उस जगह से निकलकर जेफ को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। पर धूप की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा करने पर यूवी रेज उसे बुरी तरह से जलाकर मार डालेगी। और इसीलिए वो जेफ से प्यार से पूछता है कि क्या उसने उस वैन को चलाने की कोशिश की, जिसे ये इनोसेंट बच्चे की तरह कहता है नहीं। और फिंच इस बात पर नाराज हो भी तो किस पर हो, इसलिए वो उसे उसका यूवी सूट लाने के लिए कहता है ताकि वो उस वैन तक जा सके। बट इंस्टेड ऑफ उस यूवी सूट खिलाने की जगह जेफ उस वैन को ही पीछे लाने लगता है, जिस पर फिंच उसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है उसे रोकने के लिए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि जेफ को ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती और एक बार अगर वो वैन डैमेज हो गया तो उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो वैन फिंच की एक और आखिरी उम्मीद होती है एक सेफ लोकेशन पर जाने के लिए, जिससे फिंच इस रोबोट पर काफी गुस्सा करता है उसके इस इमेच्योर बिहेवियर के लिए। और इसका रीजन बताने के लिए वो अपना हाथ धूप में रखता है, जो कि उसे सिर्फ कुछ सेकंड में जला देती है। और ये दिखाते हुए वो जेफ को काफी डांट फटकार लगाता है कि उसके इस बिहेवियर का जिम्मेदार कौन होगा। उसे सिर्फ उसे एक काम दिया था उस डॉग का ध्यान रखने के लिए, और वो ये काम करने में भी नाकामयाब रहा, जिससे जेफ उदास होकर बैठ जाता है फिंच को इतना गुस्सा करते हुए देख। और ये बात जानते हुए कि वो सिर्फ एक मशीन है, फिंच उसे ड्राइविंग सिखाने की कोशिश करता है ताकि वो रोबोट उसकी प्रॉब्लम्स को और न बढ़ाए, जो कि जेफ इजीली सीख लेता है बिना ज्यादा कोई गलती किए। और ये एक बार फिर से निकल पड़ते हैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया की तरफ, जहाँ पर रास्ते में रुककर जब ये एक जगह पर कैंप लगाते हैं तो जेफ आसमान की तरफ इशारा करते हुए फिंच को अरोरा बोरियालिस दिखाता है, जिस पर फिंच कहता है बिल्कुल ठीक, अब बस हमें अलास्का नहीं जाना पड़ता इसे देखने के लिए। नो ओजोन लेयर, नो वेजिटेशन, नो क्रॉप, बस हम किसी तरह से जिंदा। जिससे जेफ पूछता है कि अगर डे लाइट इतना ही खतरनाक है तो वो रात को क्यों नहीं ट्रैवल करते हैं, इससे वो जल्दी ही अपनी डेस्टिनेशन की ओर पहुंच जाएंगे। और इसका जवाब देते हुए फिंच कहता है बिकॉज इट इज मोर डेंजरस देन डे लाइट, सूरज की गर्मी, यूवी रेज, रेत का तूफान, ये सब तो मैं झेल सकता हूँ क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल होते हैं, पहले से आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो इन चीजों के लिए। पर रात के अंधेरे में निकलना इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, पता है क्यों? इंसानों की वजह से, जो छुपे होते हैं भूखे शिकारियों की तरह हमेशा आपको मारने के लिए रेडी, लोग जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कभी भी नहीं। जिस पर जेफ पूछता है क्यों, इंसानों पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता, जिस पर फिंच जोर देता हुआ कहता है कि ऐसा करने पर वो तुम्हें मार डालेंगे। जिससे जेफ उदास होकर एक बार फिर से बैठ जाता है कि फिंच उस पर फिर से चिल्लाया, जिससे फिंच उसे समझाने की कोशिश करता है कि ह्यूमंस आर वेरी ग्रीडी, वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इतना कह के फिंच वैन के अंदर चला जाता है सोने, तो वही जेफ बाहर रुकने का मन बनाता है। एक तरह से वो सोचने लगता है कि फिंच ने उसे क्या कहा। और इन सब में सीन शिफ्ट होती है अगले दिन, और फिंच की खांसी की आवाज सुनकर जब ये रोबोट अंदर जाता है तो वो फिंच को बुरी तरह से बीमार पाता है। और सिंस कि इनके पास कोई मेडिसिन नहीं होती, जेफ उसके माथे पर एक गीला टॉवल रखता है ताकि एटलीस्ट उसका फीवर कम हो जाए। और वैन को चलाता हुआ ये अपनी मेन डेस्टिनेशन की ओर निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में एक बोर्ड पर हॉस्पिटल का साइन देखते हुए जेफ उस वैन को उस ओर मोड़ता है ताकि फिंच के इलाज के लिए वो कुछ मेडिसिन ला सके। और एक रोबोट को लेकर उस बिल्डिंग में एंटर करता है सामान ढूंढने के लिए। तो वही फिंच की जब आंख खुलती है तो वो खुद को उस जगह पर देखकर काफी डर जाता है और अपने सूट को पहनकर जल्दी से उन्हें वहां से निकालने के लिए अंदर जाता है। तो वही जेफ उस दूसरे रोबोट को वहीं पर रोककर खुद ऊपर जाता है मेडिसिन की तलाश में। और इस रोबोट को नजर आती है कुछ कुकीज, जिसे लेने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो फंस जाता है एक ट्रैप में। और ऊपर जाने पर जेफ को मिलती है ढेर सारे मेडिसिन, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। बट सिचुएशन अब यहाँ पर चेंज हो चुकी होती है और कोई उस पर नजर रखे हुए होता है। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाती है, फिंच जेफ को वहाँ से निकाल कर ले जाने लगता है और थोड़ा बहुत गुस्सा भी करता है कि उसकी वजह से उसे उसका सबसे प्यारा फ्रेंड खोना पड़ा। और इनके यहाँ से निकलते ही एक कार इनका पीछा करने लगती है, जिससे फिंच बुरी तरह से डर जाता है और उस रोबोट को गाड़ी चलाने के लिए कहकर अपने गन में बुलेट्स को लोड करने लगता है ताकि वक्त आने पर उसका यूज कर सके। पर फिंच बीमार होने के कारण और बुरी तरह से डर जाने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसकी आंख खुलती है शाम को और ये देखता है कि एक कार ठीक इन्हें फॉलो करते हुए इनके पीछे आ रही है।
जिससे बचने के लिए फिंच वैन की लाइट्स को ऑफ कर देता है ताकि वो लोग उसे देख ना सके, और जेफ को पूरी स्पीड से वैन को आगे भगाने के लिए कहता है उनसे पीछे छुड़ाने के लिए। और जब ये भी कम लगता है तो वो उस वैन को हाइड करने के लिए उसे पुल के अंदर छुपाने को कहता है, तो वही जेफ उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, बट फिंच उसकी एक भी नहीं सुनता और इतना डर गया होता है कि वो उसकी बात सुनना तो दूर खुद की बात भी कॉन्शियस माइंड के साथ नहीं सुनता, और इसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है और उस वैन में लगे सोलर पैनल्स टूट जाते हैं, जिससे फिंच खुद पर काफी गुस्सा होता है कि उसने ये क्या कर दिया। बट अभी ये अफसोस करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, और उस वैन को पूरी तरह से हाइड करने के लिए जेफ नीचे उतरकर उसे पुल के अंदर ढकेलने लगता है, और उसके ऐसा करते ही वो कार सीधा उसी पुल के ऊपर आगे खड़ी होती है, और फिंच अपने गन को कसकर पकड़े हुए वेट करने लगता है उनके नीचे उतरने का, जो कि वो नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं, जिससे फिंच एक सेकंड के लिए राहत की सांस लेता है। और बाहर निकलने पर उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके सोलर पैनल्स बुरी तरह से टूट गए होते हैं, और ये अपनी गलती पर अफसोस करने लगता है और हार मान के बैठ जाता है कि अब वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। और उसका रीजन भी क्लियर होता है कि बिना पावर के उनकी गाड़ी ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी, जिस पर जेफ कहता है कि वो कर लेंगे, उसे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कर सकता है, जिससे निराश हो चुके फिंच के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है, और वो जेफ को एक स्टोरी सुनाने लगता है कि बहुत टाइम पहले जब अर्थ पर सोलर फ्लेयर्स ने हिट किया तो उसने इंसानों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, बल्कि हमने एक दूसरे को बुरी तरह से मार डाला। कुछ लोग घरों में छुप गए अपने आप को बचाने के लिए, जो कि ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, तो वहीं कुछ लोग एक दूसरे को मारने लगे ताकि उनसे खाना छीन सके, जिनमें से वो भी एक है और बताता है कि एक दिन जब वो एक सुपरमार्केट में खाना ढूंढने के लिए गया था तो उसे वहाँ पर एक 9 साल की बच्ची दिखी जिसके हाथ में थी एक गन, और उसकी मॉम ने उसे कहा कि अगर कोई भी इंसान दिखाई दे तो उसे शूट कर देना, जिसे सुनने के बाद फिंच वहीं पर छुप गया और उनके जाने का वेट करने लगा। पर जब तक वो वहां से निकलते हैं, उससे पहले वहां पर आती है एक कार, और वो कार ड्राइवर पागलों की तरह अपनी गन लहरा रहा था और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों को वहां पर मार कर वहां से चला गया। और जेफ से पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि भूख दूसरों को मर्डरर बना देती है, और उसने उसे एक कावर्ड बना दिया कि वो वहां से निकल ही नहीं सका। और स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जब वो उस बच्ची के पास गया तो उसने देखा कि एक बैग से रोने की आवाज आ रही है, और उसको ओपन करने पर उसे वहाँ पर नजर आया एक डॉग, डरा सहमा कांपता हुआ बेजुबान जानवर। और जेफ को कहता है कि इसीलिए उसे इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और अब से उसकी सिर्फ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस डॉग का किसी भी कंडीशन में देखभाल करना। और अगले दिन ये फिर से निकल जाते हैं सैन फ्रांसिस्को की तरफ, जहाँ पर गाड़ी चला रहा होता है जेफ और हर एक चीज के बारे में फिंच को बता रहा होता है ताकि वो जीने की उम्मीद ना छोड़ दे। और काफी दूर आगे जाने पर फिंच कुछ अजीब सा देखता है, जैसा कि उसने पहले कभी भी नहीं देखा होता, एक बटरफ्लाई जो कि उनके विंडशील्ड पर आके मर जाती है, जिसे ये फिंच को जोर जोर से आवाज लगा के बुलाने लगता है उसे ये चीज दिखाने के लिए, जो कि उस बटरफ्लाई को देखकर बाहर जाने का मन बनाता है। और उसके लिए सबसे पहले वो अपना हाथ बाहर निकालता है ये चेक करने के लिए कि यह सच में बाहर जाना सेफ है, और फिर खुद बाहर जाता है बिना अपना प्रोटेक्टिव सूट पहने। और काफी टाइम बाद फिंच पहली बार सूरज की गर्मी को अपने चेहरे पर महसूस करता है, जिससे इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, और वो खुशी से नाचने लगता है। और कुछ दूर और आगे जाने पर फिंच अपना नया सूट पहनता है जो कि उसने कई सालों पहले खरीदा होगा, और एक जगह पर रुककर ये खूबसूरत नजारों का एंजॉय करता हुआ कुछ खाने लगता है, जिस पर जेफ उसे कुछ फोटोज दिखाता हुआ उनके बारे में पूछने लगता है। और फिंच इसे यहाँ पर अपने डैड के बारे में बताता है कि उसके 15th बर्थडे पर उसके डैड ने उसे गोल्डन गेट ब्रिज का फोटो भेजा, ये कहते हुए कि बड़े होने पर वो उसे वहाँ पर जरूर मिलने आए। पर जब तक वो ऐसा करता तब तक ग्लोबल वार्मिंग और एंड ऑफ द वर्ल्ड शुरू हो गई, और वो एक दूसरे को फिर कभी भी नहीं मिल सके। और अब वो फाइनली उनके लिए खरीदे हुए सूट को पहनकर वहाँ पर जा रहा है ताकि एटलीस्ट वो उनके लिए किए हुए प्रॉमिस को फुलफिल कर सके, जिस पर जेफ कहता है कि उन्हें अभी जाना चाहिए, ऐसा करने पर वो 18 घंटे और 33 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पर फिंच ऐसा करने से मना कर देता है कि वो मर रहा है और उससे और भागम दौड़ नहीं होगी, और उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि उसके मरने के बाद वो उसके डॉग का ध्यान रखेगा, और अपने डॉग के साथ खेलने लगता है ताकि जेफ को सिखा सके कि किस तरह से उसे उसका डॉग का ध्यान रखना है, और उसको भी सेम ही करने के लिए कहता है ताकि उसका डॉग उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर सके। बट हर बारी वो डॉग उस बॉल को फिंच के पास ले जाता और हर बारी फिंच उस बॉल को जेफ को दे देता ताकि वो कोशिश करना ना बंद करे। और जब वो और भी बुरी तरह से खांसने लगता है तो वो समझ जाता है कि उसका टाइम आ गया, और वो जेफ से हैंडशेक करता है उसका फ्रेंड बनने के लिए, और उसे गले लगाकर थैंक यू कहता है उसका डॉग का ध्यान रखने के लिए।
और अंदर जाकर अपने डॉग के साथ एक लास्ट बार क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, उसे सहलाता है, उसे प्यार करता है और इस दुनिया से चला जाता है। ये पार्ट इस मूवी के सबसे इमोशनल पार्ट है, स्पेशली फॉर द पीपल जिन्होंने कभी एक डॉग को पाला होगा, क्योंकि एक डॉग को रोते हुए देखना इज नॉट वेरी इजी। और जेफ यहाँ पर फिंच को प्रॉपरली गुड बाय कहता है फॉर आफ्टर लाइफ, और अब यहाँ पर एक तरह से इस मूवी में सन्नाटा जैसा छा जाता है फिंच के जाने के बाद। और जेफ अब यहाँ पर अकेले में बैठा हुआ खुद से पूछने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो डॉग तो उसे एक तरह से अब पसंद भी नहीं करता, इसलिए वो सबसे पहले उसे खाना खिलाता है और बाहर जाके बैठ जाता है फिंच के बारे में सोचते हुए कि अगर फिंच यहाँ पर होता तो वो यहाँ पर क्या करता। और यहाँ पर वो डॉग इसके साथ खेलने के लिए इसके पास लेकर आता है एक बॉल, जिससे ये फिंच की कही हुई बात को याद करता है कि ट्रस्ट को बनने में टाइम लगता है, और ये डॉग अब फाइनली उस पर ट्रस्ट करने लगता है, जिससे जेफ उसके साथ थोड़ा सा खेलने के बाद फाइनली निकल जाता है गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ, जहाँ पर ये फिंच का ग्रेवस्टोन बनाते हैं फिंच की लास्ट विश को पूरी करने के लिए। और इन्हें यहाँ पर कई सारी फोटोज दिखाई देती हैं और एक नोट भी, जिससे इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो कि जिंदा है, और जेफ उनकी लोकेशन की ओर निकल जाता है उन्हें ढूंढने, और मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। और अब बात करें इस मूवी की, तो हमें काफी अच्छी एंड स्वीट लेसन सीखने को मिलती है थ्रू आउट द मूवी, एंड इज रियली वर्थ वॉचिंग। स्पेशली हमें इस मूवी में साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक काफी अच्छी सुनने को मिलती है, और जिस तरह से इमोशंस को पोर्ट्रेट किया गया है वो काफी ज्यादा टच करती है एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू।